शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, इसमें डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 कप दाल ली थी चने की, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये चने की दाल इसमें पैन में चली जाएगी। दाल डालने के बाद यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया है, बोनलेस लिया है, साथ थोड़ी इसकी हड्डी वगैरह भी लगी हुई है, ताकि ये हड्डी की यखनी भी इसमें जाए, फिर ही हमारे शामी कबाब मज़े के और टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट लिया है, यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट ली है। अगर आपके पास हरी मिर्च की भी पेस्ट नहीं है तो आप हरी मिर्चें 7 से 8 बारीक काट के डाल सकते हैं, अदरक तो वैसे भी हमने कूट के ही डालना है। अब इन सारे चीज़ों का मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसमें मैंने छोटी प्याज ली है स्मॉल साइज की, ये यहाँ पे मैंने रफली इसको स्लाइस कर लिया, ये चली गई। बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान फूल, ये इसमें चला गया। यहाँ पे मैंने 10 से 12 गोल लाल मिर्चें ली हैं, सूखी लाल मिर्चें ली हैं, 10 से 12 ये इसमें चली जाएंगी। अब इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, ये आप ज़रूरत के मुताबिक डाल लें। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, इतना डालेंगे कि ये सारी दाल हर चीज़ इसमें डिप हो जाए और इससे 1 इंच ऊपर ये पानी हो, और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको मैं कवर करूँगी, अब इसको मैं कवर कर दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। पहले इसकी आंच हम 5 मिनट के लिए तेज़ करेंगे, ताकि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। उसके बाद इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि दाल भी गल जाए और पानी भी ज़रा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसको 5 मिनट हो गया, मैंने हाई फ्लेम पे इसको रखा हुआ था, ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। पानी मैंने 1/2 कप और शामिल कर दिया है। अब इसको मैं पकने दूँगी जब तक ये हमारी दाल ना गल जाए और इसका पानी सारा ड्राई ना हो जाए। तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट हो गए, दरमियान में मैं इसको देख रही थी, चम्मच चला रही थी, ये देखें बस इसका पानी ड्राई हो रहा है। अब इसमें मैं फिर चम्मच चलाऊंगी, आप बस चम्मच आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाना है जब पानी सूखने को आए, ताकि दाल हमारी जो है वो नीचे को लगे ना। अब यहाँ से मैं ये जो बादियां फूल था ये निकाल दूंगी, ये दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें से निकाल दूंगी। जो गोश्त है वो अच्छे से हमारा गल चुका है, अब चम्मच की मदद से साथ हम गोश्त को भी इस तरह चिकन को मसलेंगे, ताकि अच्छी तरह ये तारे जो हैं चिकन की इसमें मिक्स हो जाए, और जो हड्डी होगी उसको हम निकाल देंगे। ये जैसे ये देखिए आपको हड्डी नज़र आ रही है, इसको मैं निकाल दूंगी। बस इसी तरह 7 चम्मच चलाते जाएंगे और 7 चिकन को मैश करते जाएंगे चम्मच की मदद से। यहाँ पे मैं ये जो साग घोटने वाला होता है इससे मैं इसको मसलूंगी, ताकि ये चिकन भी हमारा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, और ये जो हमने लाल मिर्चें डाली थी ये भी इसमें अच्छी तरह मैश हो के मिक्स हो जाए। ये देखिए पानी भी हमारा ड्राई हो रहा है। आप चाहें तो ये सारा कुछ प्रेशर कुकर में भी डाल के आप इसको प्रेशर में भी पका सकते हैं। ये देखें इस तरह चिकन भी साथ हमारा मैश हो रहा है। अगर आप इसको चॉपर पे करेंगे ना, तो चॉपर में ये जो तार आपको नज़र आ रही है ना, वो नहीं रह जाएगी, वो सारी इसमें ना मैश हो जाएगी, चॉपर में सारी चीज़ें फिस जाती हैं। इस तरह करने से चिकन की तारें शामी कबाब में बहुत ही मज़े की लगती हैं, खाने में भी और देखने में भी। ये देखें सारा पानी हमारा ड्राई हो चुका है, ये देख चिकन भी जो है उसको भी मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है, और दाल भी हमारी काफ़ी हद तक मैश हो चुकी है। बस इसका हम चूल्हा बंद करेंगे, साथ साथ इसको ठंडा करेंगे, और साथ साथ इसको इसी तरह मैं मदने की मदद से इसको मैं मसलती रहूँगी, ताकि ये अच्छी तरह दाल भी सारी मैश हो जाए। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। फिर हमारा अच्छी तरह ठंडा हो गया, ये देखें आप चिकन की तारें देख सकते हैं किस में है, किस तरह इसमें बनी हुई हैं। अगर मैं इसको चोपर में डालती तो ये तारें चिकन की नज़र नहीं थी आनी। ये सारा मिक्सर ठंडा हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है, ये डाल दिया। अब इस सारे धनिए को इसमें मिक्स करूँगी,
इसकी हम टिक्कियाँ तैयार करेंगे। धनिया इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसकी हम टिक्कियाँ तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह ये टिक्की बना के इसको मैं ट्रे में रखूँगी, इसी तरह मैं दूसरी टिक्कियाँ तैयार करूँगी और इसको हम फ्रीज करेंगे। ये हमारे शामी कबाब बनके तैयार हैं, इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। शामी अंडा बर्गर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल लिए हैं, इनको मैंने काट लिया, यहाँ पे मैंने खीरा लिया है, एक लाल टमाटर बड़ा लिया है, इसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है, और ये बंद गोभी है। आप चाहें तो प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये दो अंडे लिए, दो बर्गर आपको बना के बताऊंगी। यहाँ पे दो मैंने अंडे लिए हैं, मायो लिया है, ये मैंने हरी चटनी ली है, यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस ली, अगर चाहें तो आप केचप भी ले सकते हैं। यहाँ पे दो मैंने लंबे बर्गर लिए हैं, यहाँ पे मैंने जो शामी कबाब बनाए थे इनको मैंने फ्रीज कर दिया था। ये शामी कबाब हम एक में एक शामी जाएगा। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। ये दो अंडे में मैं दो चुटकी नमक डाल दूंगी और यहाँ पे दो चुटकी मैं काली मिर्च डाल दूंगी, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं डालूंगी ऑयल, हमने शामी कबाब फ्राई करने इसलिए मैं तवे पे ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे हम अंडे में इसको शामी को डिप करेंगे और शामी कबाब को हम ऑयल में डाल देंगे। ये एक तरफ से हमारे शामी हो गए हैं, अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए शामी कबाब में। बस इसी तरह हम दूसरी तरफ से इसको पकने देंगे। बस इसको हमने गोल्डन ही करना है। ये कबाब मैं साइड पे करूँगी क्योंकि ये मैंने फ्रीज किए थे, ये ज़रा अंदर से भी अच्छी तरह नरम हो जाए। अब हम अंडा फ्राई कर लेंगे। मैं लहदा लहदा दो टिक्कियाँ बनाऊँगी ताकि दो बर्गर के लिए लहदा लहदा बन जाए। बस इसी तरह इसको मैं एक तरफ से पकने दूँगी। इसकी साइड चेंज कर दी, अब इसको मैं उतार के इसी तरह मैं दूसरी टिक्की भी अंडे की बना लूँगी। अब एक टेबल स्पून के जितना हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही बहुत है। तो इसको हम बर्गर को गरम करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी ये गरम हो जाए। बहुत ही मज़े के ये बनके तैयार होते हैं। अब इनको मैं प्लेट में डालूँगी। अब इसके ऊपर, सारे के ऊपर मैं लगाऊँगी ये थोड़ी थोड़ी मायो। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, आपको जिस तरह भी पसंद है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मायो के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी। अब यहाँ पे मैं शामी को कट करूँगी और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह शामी, ये देखें। इसको इस तरह ऊपर से मैं नाइफ की मदद से थोड़ा प्रेस कर दूँगी। इसी तरह मैं दूसरा लूँगी और इसके दो पीस करूँगी नाइफ की मदद से, और इसके ऊपर इस तरह हम इसको रख के हल्का सा मैं प्रेस कर दूँगी। ज़्यादा नहीं आपने करना, बस थोड़ा सा। अब इसके ऊपर जाएगा अंडा। और इसके ऊपर टमाटर, खीरा। आपको घर में बनाए, बाजार से अच्छे बनेंगे आपके बर्गर। ये चिली गार्लिक सॉस, आप चाहें तो इसके ऊपर आप केचप भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा और टेस्ट भी ज़्यादा इसका अच्छा होता है। ये लगा के बस इसको हम ऊपर से करेंगे बंद। इस तरह ऊपर इसको इसके डाल देंगे, ये देखें।